बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ एक और तोहीन अमेज़ कैंपेन आपको इस वीडियो में नजर आएगी। पहले ये वीडियो देखें। अभी तो बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे कॉटन का व्हाइट सूट पहनाते हैं और कहते हैं जी हम बाहर से आए हैं, जबकि वहाँ पे शायद वो वॉशरूम वॉश कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस कॉटन का सूट पहन ये कोई सारा नीलम नामी खातून है, मेरे एडिटर ने मुझे इसका नाम बताया और वो कहते हैं कोई मॉडल है, और सामने जो थर्ड क्लास किस्म का स्टेज एक्टर है उसका नाम कैसर भी है, उसे जो कॉमेडियन कहते हैं जो भी आप इसे कह लें, ये वासिफ चौधरी का प्रोग्राम है, मैं मजाक रात के नाम से है। मैं तीनों से ये पूछता हूं कि इन लोगों को इतनी शर्म हया नहीं आई कि अभी जो ग्रीस के पास जो समुन्द्र में वकुआ हुआ है, जिसे मैं ह्यूमन ट्रेजिडी कहता हूं, इस सिस्टम का सबसे बड़ा जुल्म कहता हूं कि अभी तो उनकी लाशें उनके घरों तक नहीं पहुंची, उनकी तो उनको कब्रों में दफनाया नहीं गया, उनकी मिट्टी उनको तो कफन अभी खरीदा नहीं गया, तो फिर तुसी बह के ओवरसीज पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते पे हो। ये खातून कहती है कि जी वो कॉटन का सूट पहन के आते हैं, बाहर वॉशरूम साफ करते हैं, यहां बड़े टशन से फिरते हैं। मैं इस खातून से पूछता हूं कि खुदा की बंदी, वो तेरे से हजार दर्जे नहीं खरब दर्जे बेहतर है, वो अपनी मॉडलिंग नहीं करवाते, वो कैमरे के आगे अपनी नुमाइश नहीं करते, वो मेहनत करके रोटी कमाते हैं, वो ये नहीं कैमरामैन को कहते कि जब मैं आकर बैठू मेरा ये पोज लेना है, मेरा ये पोज नहीं लेना, वो किसी ऐसे प्रोग्राम में नहीं आते जिसमें होस्ट से पूछे रात 2 बजे का टाइम हो, आप अकेली हो, एक तरफ हमायूं हो, एक तरफ फवाद हो, दिल उदास हो, किसको कॉल करनी है, वो इस तरह की वल्गैरिटी माशरे को नहीं देते। जो ओवरसीज पाकिस्तानी, दे आर दी एसेट्स ऑफ पाकिस्तान, दे रिप्रेजेंट पाकिस्तान अक्रॉस दी वर्ल्ड, दे आर अवर रिप्रेजेंटेटिव इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ दी वर्ल्ड, वो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स भेजते हैं, $30 बिलियन, $31 बिलियन, वो जो बाहर जाते हैं ना वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। एक ओवरसीज पाकिस्तानी इधर 10 लोगों का खर्चा उठाता है, जो यहां हालात है। अगर 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर है, 1 ओवरसीज पाकिस्तानी अगर 2 फैमिलियों का खर्चा उठा रहा, खुदा के बंदो उनके खिलाफ कंपेन चला रहे हो, 2 फैमिलियों का मतलब है 8 से 10 अफराद, 8 से 10 करोड़ लोगों की मामला तो ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं, आप लोगों को वही मिले कंपेन चलाने के लिए? कोई शर्म है, कोई हया है कि वॉशरूम साफ करते हैं? भाई इसके हलाल कमाते ना, गलाजत तो नहीं करते? वो सामने जो स्टेज एक्टर है कैसर पिया, मुझे खुदा की कसम उसका नाम ही था, मेरे एडिटर ने बताया। और मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने सोसाइटी को क्या दिया, तुमने सोसाइटी को क्या प्रोडक्टिव दिया? सिर्फ जुतबाजी सिखाई, वल्गैरिटी सिखाई, मां बहन बेटी की तमीज भुला दी तुम लोगों ने। कहां था मोइन अख्तर, कहां मुशरा सारी, कहां मरहूम उमर शरीफ, मरहूम मोइन अख्तर, उनका एक लेवल था, हम छोटे होते उन्हें देखते थे, उनका लेवल था मजाक का, तुम लोगों ने भी स्टेज पर उनको दिया, नाच गाना मुजरा, और बात करते हो ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ, कोई शर्म होती, कोई हया है तुम लोगों के अंदर? पता नहीं तुम लोगों को ओवरसीज क्या करें, ओवरसीज पाकिस्तानी अब मॉडल बन जाए, ये जो खातून है मैं क्या पूछू, कैटवॉक करें? अल्लाह कहता अपने जिस्म को ढांपो, तुम लोग तुम कमाई इस चीज की करते, तुम जिस्मों को मैं क्या तुम्हें को बढ़ाना करते, तुम लोगों की कमाई है, मुल्क आगे किधर से किधर चल गया, कोई शर्म ही नहीं, कोई हया ही नहीं। देखे व्यूअर्स, पाकिस्तान दुनिया का वो बदकिस्मत मुल्क कह दें जहां टैलेंट एक्सपोर्ट किया जाता है, जहां ब्रेन ड्रेन एक्सपोर्ट किया जाता है, जहां कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, पैशन हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन लाखों करोड़ों लोगों को, नौजवानों को, टैलेंटेड लोगों को या मौके नहीं मिलते, हम उन्हें एक्सपोर्ट कर देते हैं कि भाई हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, तुम्हारे नाम पे IMF से अरबों डॉलर खरबों रुपया कर्जा ले सकते हैं, लेकिन इन टर्न हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते सिवाय जिल्लत और रुसवाई के। जब वो बाहर जाते हैं $30 से $32 बिलियन भेजते हैं, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? कभी कभी ख्वाजा साहब उनकी तजलील करते हैं, अब इधर TV पे बैठ के उनकी तजलील हो रही है, और ये जो मजाक रहा था, ये कितना रेमिटेंस दे रहे स्टेट को, सोसाइटी को, ये मेरी सोसाइटी को मॉरली, एथिकली, रिलीजियसली उनको अपलिफ्ट करने के लिए, इसकी क्या वासे चौधरी आपकी क्या इनपुट है, मेरी क्या इनपुट है? पूछो ओवरसीज पाकिस्तानियों से जिन्होंने ये हजारों घरों के, लाखों घरों के उन्होंने मंथली लगाए हुए हैं, मैं जानता हूं उन्हें, बेशर्मी की इंतहा है। वोटिंग राइट से आपने उन्हें महरूम कर दिया, अब उनके खिलाफ ये कंपेन चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? क्योंकि खास नजरिए के साथ खड़े हैं, या वो PTI को सपोर्ट करते हैं, या वो खुदा का खौफ करो, और ताड़े साड़ी पाकिस्तानियों की मेंटेलिटी हैगी है, रिश्ता है ना कि 10 रिश्ते आ, 1 ओवरसीज का है, चाहे कुड़ी का है, चाहे मुंडे का, कहते मेरी उत्थे करा दो, लेकिन जो
गल करो वो जी वो बाहरों आते हैं वो इंज करके चले जाते हैं दफना के चले जाते हैं उंज करते करन इत रूलन धक्के खान हैपेटाइटिस नुमा पानी पीन कचहरियां च गाला खान प्रॉपर्ट उन्होंने तो प्रॉपर्टियां इतने महफूज नहीं होंगे। मैं बार बार कहना इंतहाई इंतहाई शर्मनाक ये कंपेन है, ये मैं हकीकत बता रहा हूं। वो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा एसेट्स हैं, खुदा का वास्ता मत उनके उनको इतना तोहीन अमेज तरीका अपनाएं आप उनके लिए। हमें पता है कि आप लोग क्या सोसाइटी को दे रहे हैं और वो लोग सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। आप लोग सिर्फ वल्गैरिटी दे रहे हैं, वल्गैरिटी बेहयाई लुच्छड़पन, नथिंग टू डू विद मोरालिटी। व्यूअर्स बात यह है कि अच्छा नहीं लगता यार, आगे जो मुल्क के हालात है हालात उन्होंने ऊपर से ऐसे किए हुए हैं, वो जी ऐसे हो गए। और मैं इस खातून को कहूं, और तुमने जिंदगी में एक किताब भी कभी पढ़ी हो ना तो जिस चौक पे कहोगी वहां के मैं तुम्हारा मुजरिम बन जाऊंगा। तुम्हें खास मेंटेलिटी के लोगों में तुम जैसी खवातीन पॉपुलर हैं और तुम्हारी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं सोसाइटी के लिए, इस मुल्क के लिए। जो तुम लोग हो मुझे पता है। वैसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने बीबी सलात इस्लाम के साथ कि हम सबके लिए आसानियां पैदा करे। और अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।